संभल के केला देवी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 275 करोड़ की लागत से 62 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद संभल का ऐतिहासिक अतीत रहा है, वही दुखद है यहाँ पर तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। ये समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी, दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, हिंदू विरोधी और बच्चों का विरोधी है। तालिबान किस तरह से इस प्रकार की परिवर्तन कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन किस बेशर्मी से सपा के कुछ नेताओं द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवसर मिलने पर भारत विरोधी प्रश्न देने में कोताही नहीं बरतते। जब तक मोदी जी का आशीर्वाद है तब तक आप निश्चित रहिए, भारत के अंदर कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विपक्षी दलों के कुछ लोग घरों में बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे और ट्वीट पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार ने जनता जनार्दन के लिए सेवा कार्य किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले कोई गौ माता सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब गौ माता को छेड़ने वाला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। पहले भैंसा गाड़ी बैलगाड़ी गायब हो जाती थी, हमने बूचड़ खाने बंद कर दिए, अब सपा कांग्रेस इनका धंधा बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, कब कोई स्कूल के लिए निकले, कब कोई गुंडा बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर दे, लेकिन अब बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो दुर्योधन दुशासन जैसी गति को प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के सुख दुख में खड़ी है। एक समय था त्यौहार पर्व आते तो दंगा शुरू हो जाते थे, जन्माष्टमी भी नहीं मना पाते थे, शिवरात्रि भी नहीं मना पाते, दुर्गा पूजन हो या दिवाली पर्व हो या त्यौहार दंगे शुरू, हमने कहा मत करो दंगा फसाद, खानदान बिक जाएगा, सात पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगे, करोगे तो भरोगे भी। अलग अलग कालखंड में अलग अलग नामों से इस जनपद और इस क्षेत्र को जाना जाता रहा है, लेकिन हमने समय के अनुरूप इस क्षेत्र में अपने आप को तैयार न करने के कारण कैसे भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं और याद करना, यह समाजवादी पार्टी का वह चेहरा है जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, हिंदू विरोधी है और बच्चों के भी विरोधी हैं। तालिबान किस प्रकार की बर्बरता ढा रहा है अफगानिस्तान में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन किस बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है, और इसीलिए कहा गया कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में, महिला विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा, कानून के दायरे में ला करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार तो हमेशा से हर कार्यकर्ता के लिए, हर नागरिक के लिए रहा है। हमारा कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ चलता है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमने अपनी स्वयं की उपासना विधि को जब आवश्यकता पड़ी राष्ट्र धर्म के लिए तो एक और रख करके राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो अवसर मिलने पर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और उनको प्रश्रय देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन जब तक मोदी जी का आशीर्वाद और उनका नेतृत्व देश को है, आप निश्चिंत होकर के रहिए, भारत के अंदर कोई बान बांका नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा करने का